नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से Q&A वीडियो लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों, इस बार फिर से लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही माफी चाहता हूँ जिन लोगों के क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया। हालांकि दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके ऊपर हम पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप जो लाइक एम है इस बार हम रखते हैं इस वीडियो पे 400 लाइक्स का। दोस्तों, आप जितनी जल्दी लाइक्स कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा। हालांकि दोस्तों, लाइक एम थोड़ा सा बड़ा है, ये मैंने इसलिए किया है ताकि थोड़ा वीडियो बनाने में मुझे टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है मयंक जोशी जी की तरफ से। इंडिया कितने एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है? तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया 4.5 जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के अलग अलग एयरक्राफ्ट पर जो है काम कर रहा है, और इन सबकी टाइमलाइन लगभग 2030 तक भारत इन्हें अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहता है। तो इनमें एम का, ओरका, MWF यानी कि तेजस MK2, और DRDO, अवाक्स, HAL-214 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर जो भारत काम कर रहा है, और इनसे जो इंडियन एयरफोर्स है वो लगभग एयरक्राफ्ट के मामले में सेल्फ रिलायबल बन जाएगी, और साथ ही HAL-HTT-40 और HAL-HJT-36 जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं उन पर भी काम कर रही है। तो दोस्तों, वहीं पर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अरुण चौहान जी का। इनका क्वेश्चन है कि अस्त्र MK2 वर्सेस मीटियोर मिसाइल में कौन ज्यादा बेटर है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अस्त्र MK2 की, जो कि अब तक बनी नहीं है। हालांकि इसकी जो रेंज है वो 160 किलोमीटर तक रहने वाली है, और ये एक रैमजेट सॉलिड फ्यूल इंजन वाली ये मिसाइल होगी। तो वहीं पर बात करें हम मीटियोर मिसाइल की, तो जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है और जिसका नो स्कैप जोन 60 किलोमीटर है, यानी कि अगर आप 60 किलोमीटर के एरिए में अगर फंस गए तो निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये एक BVRM मिसाइल है यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो मीटियोर मिसाइल है उसका प्लस पॉइंट ये है, एक तो वो बनकर तैयार हो चुकी है और उसका जो ऑपरेशनल रिकॉर्ड है वो भी अच्छा है, और जो भारत की MK2 होने वाली है यानी कि अस्त्र MK2, वो मीटियोर को नहीं बल्कि जो M120 है उसको टक्कर दे सकती है। हालांकि जो मीटियो माफ कीजिए अस्त्र MK3 मिसाइल आएगी वो मीटियोर मिसाइल से भी बेहतरीन होने वाली है, और दोस्तों जो अस्त्र सीरीज है भारत इसमें मैनूवर्स की भी तैयारी कर रहा है ताकि जो फाइटर जेट है वे बचना सके किसी भी तरह से। और मीटियोर मिसाइल के प्लस पॉइंट यही है कि एक तो वो बनकर तैयार हो चुके हैं, बहुत से देश उसे अपनी सेना में शामिल कर चुके हैं, और इसकी जो भारत के अस्त्र MK2 है उसकी प्लस पॉइंट ये होंगे कि एक तो ये स्वदेशी होगी, साथ ही इसमें MK सीरीज की बहुत सारी मिसाइलें बनाई जाएगी और भारत इसकी कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम रखने वाला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अस्त्र MK2 बहुत ही कमजोर मिसाइल होने वाली है, हालांकि ये जो अस्त्र IR है वो भी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में शामिल होगी, और अस्त्र MK2 और MK3 ये तो अलग ही लेवल की होने वाली है, और भारत इन्हें एमका में भी इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर तरुण कुमार जी की तरफ से। इंडिया S-400 जैसा सिस्टम बना सकता है क्या? पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 जैसा बनाया जा सकता है? तो देखिए दोस्तों, बात करें यहाँ पर हम S-400 की, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही ये मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो दोस्तों, इसको बड़ी आसानी से केवल कुछ ही सेकेंडों में डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसके अलग अलग पूरी बैटरी इसमें जैसे कि इसका रडार वगैरह सब अलग होते हैं, तो वे बड़ी आसानी से किसी भी टारगेट को ट्रैक करके बड़ी आसानी से मार गिरा सकते हैं। और दोस्तों, इसको बहुत कम टाइम में डिप्लॉय किया जा सकता है, और इसकी जो मिसाइलें होती है यानी कि ट्यूब्स, उनको ट्रक पर माउंट करके बड़ी आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तो वहीं पर इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वे वर्टिकल शेप में होती है यानी कि सीधे खड़ी रहती हैं, तो उन्हें 360 डिग्री में बड़ी आसानी से कहीं पर भी मार करने के लिए जो क्षमता उनकी होती है वो बढ़ जाती है। तो वहीं पर हम बात करें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की, तो देखिए दोस्तों, इसको S-400 जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है, हालांकि इसकी जो रेंज है और इसकी जो एक्यूरेसी है उसको बढ़ाया जा सकता है। ये बात करें कि ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो भारत के पास अभी है, हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर बहुत सारी अपडेट निकल कर आ रही है। और दोस्तों, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम वैसे तो बहुत अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इसकी जो शॉर्ट रेंज है उसको लेकर इंडिया को एक नेगेटिव पॉइंट था, और साथ ही अब भारत ने उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों,
जो पृथ्वी है डिफेंस सिस्टम है उसको आप बड़ी आसानी से और बड़ी तेजी से डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं। इसका यही एक केवल जो नेगेटिव पॉइंट निकल कर आता है। और साथ ही S-400 जो एक एयरक्राफ्ट पर दो मिसाइलों को हिट करता है ताकि वे बचने के चांसेस उसके कम रह सके, जबकि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है हिमांशु कुमार जी की तरफ से, हाउ मैनी हेलीकॉप्टर्स इंडिया इज मेकिंग। तो देखिए दोस्तों बात करें कि भारत कितने हेलीकॉप्टर्स बना रहा है, तो इनमें V-22L और साथ ही HAL मीडियम वेट हेलीकॉप्टर यानी कि MLH और HAL लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और भारत LCH हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर को पहले ही बना चुका है, ये आपको पता है। देखिए दोस्तों भारत को अपने हेलीकॉप्टर फ्लीट को भी बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, भारत हेलीकॉप्टर्स पर इतना ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन आ जाता है संग्राम लेनका जी की तरफ से, इंडिया का 6th जनरेशन टेम्पेस्ट पर क्या अपडेट है। और साथ ही यही क्वेश्चन पूछा है महावीर जी ने, इंडिया टेम्पेस्ट या FCAS में हिस्सा लेगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाले हैं और जो टेम्पेस्ट है वो UK का प्रोग्राम होने वाला है, और पिछले साल UK की तरफ से भारत को प्रपोजल भी भेजा गया था कि भारत इस जो प्रोजेक्ट में हिस्सा ले सकता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि भारत इसमें हिस्सा ले, क्योंकि भारत का जो M-का है वो ऑलरेडी 5.5 जनरेशन का होने वाला है, और जो 6th जनरेशन की बात रही तो उसमें भारत का MK2 बड़ी आसानी से उसको कंप्लीट कर लेगा। और साथ ही इसमें जो भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए इंजन की, भारत अगर उसमें पैसा भी लगाता है और सब कुछ लगाता है लेकिन उसके बाद भी जो UK है वो भारत को जो इंजन टेक्नोलॉजी देने पर राजी नहीं होगा, और उनके प्रपोजल का मेन कारण ये था फंड। तो देखिए दोस्तों UK की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि वे माफी टेम्पेस्ट जैसे फाइटर जेट को अफोर्ड कर सके, और इसीलिए उन्होंने कई सारे देशों को इसमें शामिल किया और इनमें भारत भी एक देश सामने उभर कर आ सकता था। लेकिन दोस्तों इसमें भारत को जो टेक्नोलॉजी मिल सकती थी वो भारत बड़ी आसानी से है तो बना सकता है, या भारत के पास वो है, तो ऐसे में इस जो टेम्पेस्ट फाइटर जेट है उसमें जाने की कोई मतलब उम्मीद ही अब नहीं होती है, क्योंकि भारत अगर M-का को कंप्लीट कर लेता है तो भारत अपने आप ही 6th जनरेशन का फाइटर जेट तो बड़ी आसानी से बना लेगा। और तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर प्रणव शंकर जी सरकार जी की तरफ से, व्हाई इंडिया इज नॉट कंसीडरिंग अबाउट नेवी बजट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ हेलीकॉप्टर कैरियर, ए लार्ज नंबर ऑफ 4th जनरेशन फाइटर जेट इज वैल्यूएबल इन 2050 एंड US ऑर्डर मोर F-15EX Y। तो देखिए दोस्तों इनका सबसे पहला सवाल है कि भारत अपने नेवी के बजट को क्यों नहीं ध्यान में देता है। तो देखिए दोस्तों आपको पता है कि इस साल वैसे ही कोरोना की वजह से जो फाइनेंशियली लॉस भारत को बहुत ज़्यादा हुआ है, ये आप माने या ना माने, और दोस्तों इसमें सरकार की भी गलती नहीं है, कोरोना की वजह से हर देश की GDP लगभग गिरी है, तो ऐसे में जो इंडियन नेवी है उसका बजट बढ़ना पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और भारत का जो बजट है अगर उसको मान लीजिए पेंशन और तनख्वाह में ना दिया जाए तो ये भारत के लिए बहुत है, अगर भारत जो पेंशन और वगैरह इनमें भारत का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और विदेश से हथियार जो लेकर आते हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और जैसा कि आपको पता है कि पहले जो भारत के कॉन्फ्लिक्ट रहते थे वे पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहते थे, तो पाकिस्तान के लिए नेवी नहीं तो इंडिया अपनी एयरफोर्स माफ़ कीजिए आर्मी पर ज़्यादा खर्च करता था, और आपको पता है कि इंडिया की आर्मी कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा खर्च इस पे होता है। तो ऐसे में जो इंडियन नेवी है उसको केवल बजट का 14% बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, और इसमें भी वे जो सैलरी होती है वो दे देते हैं और थोड़े बहुत हथियार खरीद लेते हैं, और साथ ही जो वेपन्स की जो मतलब रिसर्च रहती है उसके ऊपर कोई पैसा नहीं बचता है। तो मतलब भारत को ये बात तो आपकी सही है कि जो बजट है उसको बढ़ाना चाहिए, लगभग भारत का जो डिफेंस बजट है US$150 बिलियन होना चाहिए अगर भारत को एक सुपर पावर कंट्री बनना है। हालांकि दोस्तों मैंने बड़ा बोल दिया है लेकिन बड़ा नहीं है ये भारत के लिए, अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो भारत के लिए 150 या US$160 बिलियन का डिफेंस बजट होना ही चाहिए। और दोस्तों हेलीकॉप्टर कैरियर के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया था, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। और आपने अगला सवाल पूछा कि 4th जनरेशन के फाइटर जेट 2050 में वैल्यूएबल रह जाएंगे और अमेरिका ने F-15EX खरीदे हैं, तो देखिए दोस्तों उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखने के लिए और साथ ही F-15 को उन्होंने बेहद ज़्यादा एडवांस बना रखा है, और अमेरिका का जो हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट वो रहा है तो इसलिए उन्होंने ये खरीदे। हालांकि अमेरिका इनको बड़ी जल्दी रिप्लेस करने वाला है, और साथ ही आपको पता है कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट जो होते हैं
उनके साथ लिमिटेशंस होते हैं, जबकि फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट उन लिमिटेशंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो ऐसे में इसलिए अमेरिका 2030 या 40 तक फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट को इस्तेमाल शायद से करने वाला है। आप जो 2030 तक तो पक्का मानकर चलिए, उसके बाद अमेरिका F-35 में जो उसकी लिमिटेशंस है उन पर काम करना शुरू कर देगा, और साथ ही उनके साथ जो लिमिटेशंस है उनको अमेरिका कंप्लीट करेगा, ताकि वे एक फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट की तरह भी जो ऑपरेट किए जा सके। जो जो कुछ काम ऐसे होते हैं वे केवल फोर्थ जनरेशन के फाइटर जेट ही कर सकते हैं, उन्हें आप F-35 या F-22 रैप्टर से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों वहीं पर अगला क्वेश्चन दीप सागर पाटिल जी की तरफ से, तेजस MK2 मीडियम वेट जेट होगा, अगर उसे ट्विन इंजन जेट बना दे तो क्या वो दुनिया के जो फाइटर जेट है उनमें सबसे ज्यादा एडवांस हो जाएगा जो मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर जेट है? तो देखिए दोस्तों, जो आप मतलब कंपैरिजन करवाना चाहते हैं तेजस MK2 का, अगर वो ट्विन इंजन फाइटर जेट बन जाता है तो देखिए ये राफेल की टक्कर का तो नहीं होगा, हालांकि उससे थोड़ा सा ये कम रहने वाला है, क्योंकि जो ओर्का है वो भारत का राफेल कहलाएगा, और ये यूरोफाइटर टाइफून से तो अब भी बेहतर रहने वाला है। अगर और आप साथ जानना ही चाहते हैं कि ये किन फाइटर जेट से ज्यादा एडवांस रहने वाला है, तो आप उनमें शामिल कर सकते हैं F-16। F-16 से तो एडवांस रहने ही वाला है, और जो F-18 सुपर हॉर्नेट उसकी टक्कर का रहने वाला है, और जो राफेल होंगे अगर भारत इनमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन और कर देता है इसके प्रोग्राम में, तो ये राफेल की टक्कर का भी बन सकता है। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अमित नायडू जी की तरफ से, क्या भारत के पास कोई स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर या फ्रिगेट या कॉरवेट्स है? तो देखिए दोस्तों, भारत के पास अभी जो ऑपरेशनल कोई भी नहीं है, हालांकि भारत ने काम शुरू कर दिया, बहुत से अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं, जिनमें विशाखापट्टनम क्लास का और साथ ही नीलगिरी क्लास, तलवार क्लास के जो पोत युद्ध पोत हैं वे रहने वाले हैं, और ये फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स और डिस्ट्रॉयर हैं जो कि भारत ने 15 की संख्या में होंगे, और भारत इन्हें बड़ी जल्द से अपनी सेना में शामिल करने वाला है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाता है निश्चल शर्मा जी की तरफ से, तो देखिए दोस्तों इन्होंने BMD-AAD, AAD-2 और साथ में पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाने को कहा है। तो देखिए दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन अर्शदीप जी की तरफ से भी था, ये सर हैं कहीं मैम सोचे, तो इन्होंने भी भारत के डिफेंस सिस्टम के ऊपर वीडियो बनाने को कहा है। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इस वीडियो में ऐड करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होगी, जिसकी वजह से आप भी देखना पसंद नहीं करेंगे, तो मैं एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर जिन लोगों की रिक्वेस्ट है उनके कहने पर एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, हालांकि अभी ये नहीं पता है कि उसे मैं कल या परसों, परसों तक आपको वो डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी, और इसमें मैं भारत के जो फ्यूचर एयर डिफेंस सिस्टम होंगे उनको भी शामिल करूंगा, और साथ ही जो भारत के पास अब एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि आकाश, पृथ्वी, इनको भी मैं उसमें शामिल करूंगा, जो छोटे छोटे हैं उनको हम रहने देंगे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एम जल्द से जल्द कंप्लीट इस करिए, वीडियो पे एम करते हैं हम 400 लाइक का, अगर दोस्तों आप ये एम कंप्लीट करेंगे तो मैं अगला Q&A पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊंगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट करके जरूर से पूछे, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा, हालांकि दोस्तों कुछ लोगों के जो कमेंट है वे स्पैम में चले जाते हैं तो वे मेरे पास नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में आप स्पैम मत कीजिए, और इससे चैनल पर भी इफेक्ट पड़ता है और आपके जो आईडी है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट करके जरूर से पूछिएगा, लाइक एंड कंप्लीट कर दीजिए, साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।